बेटा को गाना गाते हुए 32 साल हो गया। थोड़ा सा दिख रहा है और पवन सिंह जैसे मंच पे आता है, भोजपुरी भाषा के बोले वाला, देखे वाला, सुने वाला, जब आप लोग गरज देना जा रहा हो भैया, दुनिया के किसी भी कोने में पवन सिंह का सीना। अरे हरण के मारे आज यूट्यूब के दुनिया, म्यूजिक वीडियो की दुनिया, भोजपुरी फिल्म की दुनिया इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि भैया हो न खाने का टाइम है, न सोने का टाइम है, न कहीं अपने मन से जाने का टाइम है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग मेरे लिए भगवान है। पवन सिंह कोई सुपरस्टार नहीं, कोई पावर स्टार नहीं, मैं जो कुछ भी हूँ आप सबका आशीर्वाद। आगे कुछ मुझे आता ही नहीं, बट हमारे माया मित्र मणिशंकर मिश्रा जी से बात हुई, हालांकि हमारे सोमवार में 10-15 साल बड़ बड़े, वैसे कि 20-25 साल बड़ बड़ा जी, लेकिन हमारे दोस्त ही हैं, बहुत अच्छे। इन्होंने गोपाल भैया से बात कराया, लखनऊ हवा शूटिंग चलत रहे तो पवन सिंह नहीं, पहले गोपाल राय जी हमार बड़ भैया, मणिशंकर मिश्रा जी और पवन सिंह तीनों भाइयों की जब मुलाकात हुई तो भैया ने यही बात हमसे बोला कि भाई रे थोड़ा आवे के बाद हम कल बियर ऊपर कोशिश कर टाइम देखे हो। इसके बाद जब बड़े भाई ने ये बोला कि भाई थोड़ा आवाही के परी कहे कि ए महोत्सव में हमार जवान गरीब घर के माई बहन बाड़ी से ओकनी खाली कुछ शुभ कार्य सोचल गइल बा कि हमरे बेटी के हमरे बहिनन के शादी करवाओल गई था। मैंने बोला भैया जो आपने वर्ड आज बोल दिया कि हमरे बहिनन के शादी करवाता तो पवन सिंह आज कहां किस तरीके से कैसे जाता है वो आप सबको भी पता है, लेकिन मैंने बोला भैया कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, किसी का भी काम छूट जाए, लेकिन हमारे बहनों के शादी होता पवन हो या ना पहुंचे ऐसा हो नहीं सकता। और पवन सिंह यहाँ पैसा लेके नहीं आएगा, अपने बहनों के शादी में मदद भी करेगा। तो देखिए क्या है नाच गाना हंसी मजाक डांस आजीवन लगा रहेगा भैया, लेकिन गोपाल भैया आपकी सोच को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ कि इस महोत्सव के जरिए आप हमारे बहिनन के इतना शुभ, इसको पूजा बोलते हैं। मेरा नेचर क्या है, दिन भर अगरबत्ती दिखाई यारों के बगली मारा चली, कोई फायदा नहीं है। आप मत अगर बाकी दिखाइए लेकिन रास्ता चलते अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, वही भैया है। तो एक बार मैं चाहूंगा, ये महोत्सव बहुत साल से हो रहा है लेकिन आज भी इतना एनर्जी जो मैं देख रहा हूं, मैं भी बहुत थका हुआ हूं, सोए हुए एक हफ्ता हो गया, बट आपको देखता हूं तो महोत्सव में इतना शुभ कार्य करने के लिए हमारे बड़े भैया सुपरस्टार इनके लिए बहुत कम होगा। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि हमारे बड़का भैया गोपाल राय जी गायक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे नायक और एक बहुत अच्छे इंसान के लिए चारों तरफ से जोरदार ताली हो जाए भैया। कौनों के फुर्सत देखे, कौनों के खाहू का टाइम देखे, इतना बिजी बड़े।
हैं, थैंक यू सो मच आपको। मेरा छोटा भाई, मेरा राजा भोजपुरी का राजा, मुझे लगता है कि उम्र उसका कम है बट सीनियरिटी में पवन सिंह के बाद मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री का राजा मेरा छोटा भाई कल्लोई है। हम की आज भी वो दिन याद है जब हम लोग गठबंधन फिल्म के प्यार प्यार गठबंधन प्यार प्यार फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो जब हम अपने रूम में जाए ना शूटिंग वहां करके कहीं भाग के हमारे रूम में आ गया। इतना छोटा था हम और करो ढेर बढ़ना रहे, ये इतना था इतना था मैं इतना था। तो हम लोग हमके बहुत जगह से सुनने को मिलता था कि ये भाई पवन जी आपका एक चेला।